हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, आरआरबी, पुलिस कांस्टेबल आदि परीक्षाओं में प्रारंभिक गणित से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल एसएससी, सीजीएल, एसएससी और जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है उसके लेवल के तो नहीं होते हैं। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपका जो बेस है, जो कंसेप्ट है, अगर वो क्लियर ना हो तो ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो मेरा मानना ये होता है फ्रेंड्स कि जो लोग एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ आदि तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षा नहीं देते हैं, और टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी होते हैं वो अपने विषय के महारथी हो सकते हैं, लेकिन उनका बेस हो सकता है कि अगर काफ़ी दिनों से उनका प्रैक्टिस ना हुआ हो तो बेस उनका कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में कुछ चुनिंदा सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की गई है, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं 5 सवाल आपको दूंगा और उसके बाद उसकी व्याख्या मैं करूंगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए एक सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 रेलवे स्टेशन हैं, ए और बी। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही, यानी कि बिल्कुल उसी समय, बी स्टेशन से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करती है। सवाल यह है कि वे किस समय मिलेंगी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 बजे, बी 2 बजे, सी 11 बजे या डी 12 बजे, यानी कि वो कितने समय के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, इसका जवाब आपको देना है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को आप हल कर सकते हैं और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना सवाल हल करने के बाद सही उत्तर आप गेस कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको व्याख्या भी दूंगा, लेकिन इन सवालों के कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 100, बी 120, सी 110 एंड डी 150। आपको सही जवाब देना है और इसको भी हल करने के लिए आप समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि बी बाई ए इज इक्वल टू 0.25 हो तो 2a माइनस बी बाई 2a प्लस बी प्लस 2/9 इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस हैं, ए 1, बी 4/9, सी 5/9 या डी 2। आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, यानी कि उसकी पूर्व की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं और डी है 10वीं। और ये रहा 5वां सवाल। यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, यानी कि पहली भुजा ए बी 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बी सी 14 सेंटीमीटर है और बी डी जो उसका डायग्नोसिस है, कर्ण है, डायगोनल वो कितना है 20 सेंटीमीटर, तो जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा जो विकर्ण है, उसको ज्ञात करना है आपको। ए सी इक्वल टू व्हाट। ए 15 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी अंडर रूट 70 सेंटीमीटर या फिर डी 2 करणी में 70 सेंटीमीटर। तो इस सवालों के जवाब अगर आपको आते हैं तो ठीक है, आप वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल था यहाँ पे कि 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी हैं, यानी कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब एक गाड़ी सुबह 10 बजे ए से बी की ओर चलना शुरू करती है और उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय पर रेल स्टेशन बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है और उस समय उसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, दोनों को आप ऐड कर लेंगे
मतलब 20 और 30 को आप ऐड करेंगे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप जानते हैं कि जो समय होता है, समय का फार्मूला क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी बटा चाल, इसका मतलब दूरी कितनी हो गई 100 किलोमीटर और चाल क्या है उनकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से वो दो घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, और क्योंकि वो 10 बजे सुबह चलना शुरू करती हैं तो 10 बजे के बाद दो घंटे के बाद, यानी कि दो घंटे जब उसमें ऐड करेंगे तो समय क्या होगा, समय होगा आपका 12 बजे का, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी आपका सही विकल्प हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है, ठीक है, मतलब कक्षा में कुल छात्र कितने हो गए 120। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में कितने पास हुए ये संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हम पहले कुल अंक निकाल लेंगे, 120 छात्र हैं और औसत है 35 का, ठीक है, इतना कुल अंक हो गया। अब मान लीजिए जो पास होने वाले छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है x, तो फेल होने वाले छात्र कितने होंगे। अब देखिए 120 में से x छात्र पास होते हैं, तो जितने छात्र पास होंगे उतने 120 में से कम हो जाएंगे, यानी कि 120 माइनस एक्स, ये इतने छात्र हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग बेस बना के इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। माना परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है x, तो फेल होंगे 120 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, जो 120 छात्रों का अंकों का औसत है वो कितना है 35, तो कुल अंक कितने होंगे 120 गुणे 35, ठीक है, और जो पास हुए छात्र हैं उनकी संख्या है x, और उन्होंने उनका जो औसत वो है 39, यानी कि पास हुए छात्रों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो 39 गुणे एक्स अंक पास हुए छात्रों ने प्राप्त किए हैं, और फेल हुए छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 120 माइनस एक्स, ये संख्या है फेल हुए छात्रों की, और 15 उनका औसत है, तो 120 माइनस एक्स गुणे 15। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 120 गुणे 35 ये हो जाएगा आपका 4200, यहाँ पे हो जाएगा आपका 39x, और 120 गुणे 15 हो जाएगा 1800, और 15x हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 39x माइनस 15x, इसको आप घटा लेंगे, 4200 में से 1800 यहाँ पे घटा देंगे, तो उत्तर क्या आएगा आपका 2400, और 39x में से 15x घटाएंगे तो आएगा 24x, यानी कि 24x बराबर 2400, तो x बराबर क्या हो गया आपका 2400 बटा 24, यानी कि x बराबर है 100, और x हमने क्या माना था उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, तो यानी कि उत्तीर्ण कितने छात्र हुए, वो छात्र हुए हैं यहाँ पे 100 छात्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि बी बाई ए इजकल टू 0.25, तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 0.25 है, अब इसको आपको बदलना है भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो के नीचे आप एक लिख लेंगे, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के राइट साइड में जितने भी नंबर हों उतने जीरो हम लगा देंगे। तो यहाँ पर एक दो, दो अंक हैं तो हम दो जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, और अब हम दशमलव को हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 25/100, यानी कि 1/4। अब यहाँ पे देखिए आप बी बाई ए इजक्वल टू कितना था 0.25, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए, ए इजक्वल टू 4 हो गया और बी इजक्वल टू 1 हो गया। अब यही वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, यानी कि अगर आप देखें तो 2 × 4 − 1 और 2 × 4 + 1 इज प्लस 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 8 में से एक निकल गया 7, यहाँ पे क्या बचा आपका 7, और यहाँ पे हो गया 9, 7/9 + 2/9, तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9/9, यानी कि वैल्यू आ गई 1, तो ये आपका आ गया उत्तर, ठीक है। इसमें देखिए आपका ए विकल्प आपका सही होगा, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से दो स्थान हटा दिया जाता है, यानी कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 16 हैं। तो इसको देखिए आप, अगर आपको इस न्यूमेरिकल हल करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको आप पाई मेथड से हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ और उसको आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत आप जवाब निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 16 है, और एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से दो स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से सातवें स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दाएं से सातवें स्थान पर हो जाता है, तो आपको गिनना क्या है, देखिए यहाँ पर कुल मिला के बच्चों की संख्या कितनी है, 16 है, और वर्तमान में दाएं से उसकी पोजीशन क्या है अनिल की, वो है मिला के सातवीं। यानी कि अगर निकालना है आपको कि दाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 7, और जितना भी उत्तर आएगा उसमें आपको एक जोड़ना होगा, तब आप पता कर पाएंगे कि राइट साइड से यानी कि दाएं से अनिल की वर्तमान पोजीशन क्या है। तो 16 में से 7 आप निकालिए तो कितना आता है आपका, 9, ठीक है, और उसमें आप एक जोड़ देते हैं तो आता है आपका 10। यानी कि जब अनिल को लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्लेस किया जाता है दो स्थान, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड से सातवें स्थान पर है तो वो राइट हैंड साइड से दसवें स्थान पर है। अब क्वेश्चन कहता है कि उसे दो स्थान डिस्प्लेस किया गया था, यानी कि पहले उसकी स्थिति क्या थी, तो वर्तमान में 10 है तो पहले दो स्थान यानी कि दो घटा दीजिए, तो पहले उसकी स्थिति थी 8वीं, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनमें आमने सामने की भुजाएँ समांतर होती हैं, ठीक है, यानी कि इन ये जो होते हैं चतुर्भुज, इनकी जो आनुसारिक भुजाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर का अर्थ होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से परस्पर समान दूरी, हमेशा मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस हो कभी भी कम ना हो, तो उन्हें कहा जाता है समांतर रेखा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी, चलिए मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पर ए बी सी डी में ए बी हो गया 12, बी सी हो गया 14, और ये देखिए आपका ए बी सी डी। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। ये हो गया साफ साफ चित्र, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें पहली रेखा ए बी दी गई है 12 सेंटीमीटर, दूसरी रेखा दी गई है बी सी 14 सेंटीमीटर, तीसरी, और ये जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण पहला वो है 20 सेंटीमीटर का, तो आपको ए सी यानी कि डी टू आपको ज्ञात करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज में पहली भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो भुजाएं होंगी आपस में तो बराबर होती हैं, ए बी के बराबर होगी डी सी और बी सी के बराबर होगा ए डी, यानी कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 14 है तो ये भी 14 है, लेकिन विकर्ण ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। तो फार्मूला ये बनता है कि पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर इक्वल टू पहले डायगोनल का स्क्वायर धन दूसरे डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो इस फार्मूला चलिए पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे पहली भुजा है ए बी यानी कि ए बी स्क्वायर, दूसरी भुजा है बी सी यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू पहला डायगोनल है 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 का स्क्वायर धन डी टू स्क्वायर, डी टू स्क्वायर हमें ज्ञात करना है बटा 2। अब हम यहीं से डी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 14 का स्क्वायर होगा 196, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 340, और यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड हुआ था तो 340 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टू स्क्वायर प्लस 400, और यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 × 2 बराबर 680, और यहाँ पे 400 क्या था जुड़ा हुआ था तो यहाँ पे आने पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 280 इक्वल टू डी टू स्क्वायर। तो अभी ये डी टू स्क्वायर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, डी टू इक्वल टू अंडर रूट 280, तो इसकी जो वैल्यू होगी जब निकालेंगे तो निकलेगा 2 करणी में 70, 2√70 सेंटीमीटर, ये आपके दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गई। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, समय कम रखा जाएगा तो आपकी रुचि बनी रहेगी, इसीलिए बहुत कम सवालों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा जब तक होगी, यूजीसी नेट की परीक्षा होगी, आरआरबी की परीक्षा जब तक होगी, तब तक मैक्सिमम नंबर आप जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के वो हल करवा दिए जाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए, जो लोग चैनल पर पहली बार आए
वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आगे दीजिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए दूसरा वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।